नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चेतन होम्स बिल्डिंग डिजाइन में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम ऑन ग्राउंड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 40x50 का प्लॉट साइज में बना हुआ डुप्लेक्स हाउस का। दोस्तों, इस पर हम आज फुल डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इसका एलिवेशन बना हुआ है, किस तरह से इसका हमने विंडोज, डोर और किस तरह से इसका हमने क्रिएट क्रिएट सभी रूम को और हॉल के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और कैसे हमने इसका लेट बाथ, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, सॉरी सेकंड फ्लोर में किस तरह से क्रिएट क्रिएट दिया हुआ है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रंट में पोर्च, जो सामने से आप देखोगे ऊपर की तरफ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बात करें इसके पोर्च की, तो पोर्च आपको यहाँ पर मिलेगा 15x12 के साइज में। बात करें डोर की, तो डोर आपको यहाँ पर शानदार दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हो ये डोर की 7x4 के साइज में यहाँ पर हमने डोर प्लेस किया हुआ है, जो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। साइड में हमने इसके गैलरी भी, सामने देखोगे राइट साइड में तो आपको विंडोज दिखाई दे रही होगी, जो शानदार हमने ग्लास की दी हुई है। यहाँ पर बात करें इंटर होम या हॉल में, तो हॉल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में विंडोज भी देखने को मिल रही होगी। सामने से आपको स्टेयर जो ऊपर की तरफ लेकर के चली जाएगी, यहाँ से उसी के नीचे हमने लेट बाथ दिया हुआ है, जो सूटेबल वहां पर सेट किया हुआ है। बात करें सामने हॉल से अटैच किचन की, तो कुछ इस तरह से आपको किचन दिखाई दे रहा होगा, जो हमने यहाँ पर काउंटर के साथ दिया हुआ है, और सामने फुल पीओपी के साथ इसका डेकोरेट किया हुआ है। काम प्रोग्रेस में है, क्योंकि काम चल रहा है अभी, तो ये हमारा भी अनकम्प्लीट है। बात करें इसके, तो यहाँ साइड में जस्ट आपको वॉशरूम, वॉशिंग पॉइंट मिल जाता है, जो आपको अगर वॉश वगैरह करना है तो। राइट साइड में आपको यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है, जो शानदार तरीके से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको सेम अटैच लेट बाथ भी देखने को मिल जाएगा, और इसका जो एरिया है कुछ तरह से होगा, इसका इंटर जो लेट बाथ है कंबाइंड होगा, दोनों लेट बाथ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं दोस्तों बैक साइड में, तो बात करें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर अपना डेकोरेट के लिए। और वापस चलते हैं हॉल में, हॉल से बात करें तो ऊपर हमारी स्टेयर दी हुई है, जो कि यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चली जाती है। बात करें सामने, तो सामने आपका जस्ट पोर्च के राइट साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा ये अटैच लेट बाथ के साथ गेस्ट रूम, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर दिया हुआ है, एकदम सुटेबल जो है यहाँ पर। अब यहाँ से चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ इस तरह से इसके लैंडिंग के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और आगे आपको यहाँ से मिलेगा शानदार पीओपी के साथ अपर डिजाइन, जो कि नीचे से ऊपर देखने पर पूरा खुला हुआ है विद स्टेयर। और ये चलते हैं हम यहाँ अभी आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे। बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दो रूम के साथ फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलेगा। इसी में जस्ट आपको लेफ्ट साइड में इंटर होगा, तो यहाँ पर आपको बाथरूम मिलेगी, जो कि शावर के साथ शानदार देख रहे होंगे, जैसा कि ये दिया हुआ है, ये नहाने के लिए हमारा हो गया मिनी स्विमिंग पूल, जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। साथ में इधर आपको बाथरूम भी देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों, ये जो है हमारा ये लेट बाथ एक कॉमन है, कॉमनली इसको यूज कर सकते हैं। सामने आपको यहाँ पर दो बेडरूम मिलेंगे, देखने को मिलेगा फर्स्ट बेडरूम, यहाँ से नीचे देखने को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बात करें बेडरूम की, तो इस तरह से हमने बेडरूम का यहाँ पर लेआउट दिया हुआ है, और साइज भी लगभग सभी का सेम है, ये समथिंग 14x12 में इसका बना हुआ है, और सभी बेडरूम में आपको यहाँ पर अटैच लेट बाथ देखने को मिल जाएगी। इस तरह से कुछ होगा, विंडोज यहाँ पर लगभग बराबर साइज की है, और कुछ इस तरह से ये अपर पीओपी हमने इसमें दिया हुआ है, से विंडोज देखने को मिल जाएगी। विंडो के साथ साइड में आपको यहाँ पर एक कनेक्टेड रूम देखने को मिल जाएगा, साथ में इसी रूम से अटैच इधर आपको पोर्च, जो कि फर्स्ट फ्लोर का पोर्च है, ये चारों तरफ का एरिया बड़े अच्छे से देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ से बड़े अच्छे से आप यहाँ इसका नज़ारा ले सकते हो। यहाँ पर विंडोज देखने को मिल जाएगी आपको, जो दोनों साइड में हमने दी हुई है कुछ इस तरह से।
और ऊपर साइड में देखा तो यहाँ पर आपको पीओपी डिजाइन देखने को मिल रही होगी, जिसमें लाइटिंग वगैरह का सारा हमने जो है जगह छोड़ रखा है। और देखें तो कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाएगा चारों तरफ से, बहुत ही शानदार है। अब चलते हैं इसके हम सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सेम यहाँ पर हमने स्टेयर दी हुई है, जो कि स्टेयर कुछ इस तरह से होगी इसके स्क्वायर में। यहाँ से हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। ये हो गया आपका स्टोर रूम के तौर पर। यहाँ पर हम रेलिंग लगाएंगे, रेलिंग के बाद इसको इसे ये एक और बेडरूम जो कि अटैच लेट बाथ के साथ यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। सेम इसमें भी आपको विंडोज देखने को मिलेगी। ये हो गई आपकी अटैच लेट बाथ, जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी आपको। अब चलते हैं इसके बाहर ओपन एरिया में, गेट ओपन कर लेते हैं और चलते हैं बाहर। बाहर आ जाते हैं। अब हमारा हो गया सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर अभी हम आ चुके हैं और सेकंड फ्लोर से हमें कुछ इस तरह से ये एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये उसका ओपन गैलरी हो गया है। विंडोज ये साइड में हमने दी हुई है इसकी। और ये हमारा हो गया कटिंग रूफ, जो कुछ इस तरह से आपको डिजाइन के तौर पर देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ से चलते हैं हम थर्ड फ्लोर पे, जो हमने यहाँ पर आयरन की स्टेयर दी हुई है थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए ऊपर, जहाँ आपको पानी की टंकी भी देखने को मिलेगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आयरन स्टेयर पे चढ़ते हुए चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ से देखते हैं कि हमारे हमें चारों तरफ से किस तरह से एरिया दिखाई देगा। कैसे हमने ये हो गई हमारी पानी की टंकी, जो कि थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर हमने लगाई हुई है। और यहाँ से ऊपर से टॉप से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा चारों तरफ का एरिया। ये बहुत शानदार तरीके से हमें चारों तरफ से दिखाई देगा ये। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारा ये डुप्लेक्स टूर था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप भी बनाने का प्लान करते हो तो हो सकता है ये आप लोगों के काम आ जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे द्वारा बनाए गए डिजाइन भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही अलग अलग प्रकार के हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। आप लोगों के लिए इसी तरह से हम नए नए डिजाइन लेकर के आएँ, नए नए डिजाइन आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को देते हैं पूर्ण विराम। जय हिंद, जय भारत।